फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। नमस्कार आप सभी साथियों को। आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी ए सेंटर में हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर गिलबर्ट वेज के द्वारा दी गई 38 रेमडी में से रेमडी नंबर 9 के ऊपर हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले 1 से लेकर 8 रेमडी के ऊपर हमने वीडियो बना दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में रेमडी नंबर 8 के लिंक दे देंगे, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। इसी क्रम में आपको सभी वीडियोज के लिंक मिल जाएंगी और सभी रेमडीज का वीडियो आपको देखना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि निश्चित तौर पर सभी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकते हैं, अच्छा नॉलेज दे सकते हैं फ्रेंड्स, और कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करने में ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं, इसलिए आपको सभी वीडियो जरूर देखना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहते हैं कि डॉक्टर एडवर्ड वेज साहब ने कुल 38 रेमडीज दिया था, जो कि फूलों से बनी हुई रेमडीज है फ्रेंड्स। इसके बाद इसी से एक क्रॉस करके यानी कि 5 रेमडी को मिला के एक और रेमडी बनाई गई, जिसको रेस्क्यू रेमडी के नाम से जाना जाता है और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुई। निश्चित तौर पर बहुत अच्छे उसके रिजल्ट भी रहे, क्योंकि फ्रेंड्स एक ऐसी रेमडीज हैं कि कई रेमडी को एक साथ मिलाकर पेशेंट को दिया जा सकता है, किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता, क्योंकि फूलों से बनी हुई ये रेमडीज हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि जो अपना मन है, जो मस्तिष्क है फ्रेंड्स, वो फूलों के जैसा व्यवहार करता है, उनके जैसा मिलता है, उसके जैसा कोमल, आकर्षक और सुंदर होता है फ्रेंड्स। और हमारे मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का विकार हो जाता है, समय परिस्थितियों के साथ, वातावरण के अनुसार या कि कुछ अन्य परिस्थितियों के अनुसार, कोई ट्रेजेडी की वजह से जिसमें कुछ ना कुछ विकार हो जाता है, उसके बाद मेंटल सिम्टम्स के साथ साथ फिजिकल सिम्टम्स, जनरल सिम्टम्स भी हमारे शरीर में आने लगते हैं, तो निश्चित तौर पे उसके लिए रेमडीज बहुत ही इफेक्टिव रेमडीज हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहते हैं कि हमारे प्रैक्टिस में मैंने कई ऐसे पेशेंट देखा है, मैं 2 से 3 आपको उदाहरण दूंगा। मेरे पास एक ऐसे पेशेंट आए थे जो कि उनका मानसिक लक्षण जो मिलता था वो इम्पेशेंस रेमडी के साथ मैच करता था। वो बहुत जल्दी जल्दी किसी काम को करना चाहते थे, वो तत्काल उनके मन में जो भी विचार आया वो तत्काल करते थे, लेकिन उनके जो शरीर में जो सिम्टम्स थे फ्रेंड्स, वो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट थे और उनको आर्थराइटिस का भी सिम्टम्स था। उनके शरीर में रूमेटिक सिम्टम्स हमको देखने को मिला, लेकिन जो उनका मेंटल सिम्टम्स था उसके अनुसार हमने उनको इम्पेशेंस दिया और उनकी आर्थराइटिस और ब्लड प्रेशर जाता रहा। मेरे पास एक पेशेंट आए थे फ्रेंड्स जिनको स्किन की समस्या थी, है ना, उनको इरेप्शन था, बहुत ज़्यादा खुजली होती थी, खुजलाने के बाद वहाँ पर रेसे रेसे पड़ जाते थे। उनका लक्षण फ्रेंड्स एक रेमडी के साथ मैच किया, यानी जिसको कहते हैं ग्रे पेपर, इसके साथ उनकी रेमडी उनका लक्षण मैच किया फ्रेंड्स। हमने वो रेमडी उनको दिया और उनका स्किन डिसीज जाता रहा। तो फ्रेंड्स, हमारा जो कहने का तात्पर्य, इसको आप समझिएगा कि सबसे पहले डॉक्टर्स को चाहिए कि पेशेंट का मेंटल सिम्टम्स को अच्छे से ऑब्जर्व करें, उसको समझे, और मेंटल सिम्टम्स के आधार पर अगर किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है तो रिजल्ट कई गुना अच्छे होते हैं और एक ही दवा से वो पेशेंट ठीक हो जाता है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखेंगे। उसके साथ जनरल सिम्टम्स जो हैं आप उनको दे सकते हैं रेमडीज, उसके लिए मना नहीं है, अलग अलग कंडीशन के आधार पे, लेकिन सबसे पहले जो प्रायोरिटी देनी चाहिए वो मेंटल सिम्टम्स को देनी चाहिए। अगर मेंटल सिम्टम्स के आधार पे हमने किसी का ट्रीटमेंट किया तो सफलता की जो परसेंटेज है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसा हमने खुद अनुभव किया है फ्रेंड्स। तो आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एडवर्ड वेज के द्वारा दी गई रेमडी नंबर 9 के ऊपर। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग इस रेमडी के ऊपर बात करते हैं कि इस रेमडी का रेमडी नेम क्या है, यानी कि मेडिसिनल नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इस रेमडी का कॉमन नेम क्या है, इसके अंदर पाए जाने वाले केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है फ्रेंड्स, और इसके जो वेज फ्लावर मेडिसिनल यूजेस है वो क्या है, और इसके जनरल यूजेस के ऊपर भी हम बात करेंगे। उसके पहले आप चैनल में नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा फ्रेंड्स, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, अन्य ग्रुप के माध्यम से, जिससे लोगों को तत्काल इसकी जानकारी हो सके और किसी के साथ अगर लक्षण मैच करता है तो उनको ठीक होने में मदद मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये जो रेमडी है इसका नाम है क्लेमाइटिस, इसका साइंटिफिक नेम है क्लेमाइटिस वाइटलवा, CLEMATISVITALVA। फ्रेंड्स, इसका जो कॉमन नेम है वो है ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, ओल्ड मैंस, और ट्रेवलर्स जॉय के नाम से भी इसको जाना जाता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है जो वेज फ्लावर की रेमडी है वो सब पौधों के फूलों से बनाई गई हैं, उसी प्रकार से ये भी इसका जो पार्ट यूज होता है मेडिसिन बनाने के लिए वो फ्लावर है फ्रेंड्स। हर वीडियो में ये बता देना चाहिए लोगों को, हर वीडियो में हम बताते हैं कि सभी रेमडीज जो 38 हैं फ्रेंड्स वो फूलों से बनी है, लेकिन कौन सा पार्ट यूज किया जाता है ये बताने का हर रेमडी में पार्ट होता है, तो यानी कि फूलों से बनी हुई रेमडीज हैं फ्रेंड्स। अब बात करेंगे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि रासायनिक घटक, तो सब इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स इसमें से हैं फ्रेंड्स, जैसे ट्राइटेप्टिन, सेपोनिन्स, एल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स एंड लिगेंड्स, स्टेरॉइड्स एंड पोमरिंस, माइक्रो साइक्लिक कंपाउंड्स इसमें से पाया जाता है फ्रेंड्स, फिनालिक ग्लाइकोसाइड्स और एमोनियम एंड वाइटलिक ऑयल इसमें से, सॉरी वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है, यानी कि उड़नशील तेल भी इसके अंदर पाया जाता है फ्रेंड्स। आगे बात करेंगे इसके जो वेज फ्लावर यूजेस हैं, तो फ्रेंड्स इसका जो पर्सनैलिटी होगी, इसका जो पर्सन होगा उसकी विशेषता ये होगी फ्रेंड्स, आपने देखा होगा मुंगेरी लाल के सपने, आपने सुना होगा,
देखिए सपने, रंगीन सपने देखना हर प्राणी बिल्कुल देखता है, हम सब देखते हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन, एक सीमाएं हैं कि अपन सपने देखते हैं कि हम ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, हर इंसान देखता है, लेकिन उसको सच करने के लिए वो काम भी करता है और देखना भी चाहिए फ्रेंड्स। लेकिन इसकी जो पर्सनैलिटी होगी वो 24 घंटे उस सपने में डूबा रहेगा और किसी काम को नहीं करेगा, किसी काम करने में उसको मन नहीं लगेगा, बस उसी सपने में कि कल ऐसा हो जाएगा, मेरे पास प्लेन हो जाएगी, बहुत बड़ा घर हो जाएगा, मतलब जिसके मन में जो विचार है, जो उसको चाहिए है ना, मैं यहाँ चला जाऊँगा, ये हमको खाने को मिलेगा, पूरी दुनिया हमारे अंडर में होगी, मतलब कई तरीके से ऐसे वो सपने देखता है जो शायद पॉसिबल ना हो, शायद बोला फ्रेंड्स, क्योंकि असंभव चीज़ कुछ भी नहीं है, लेकिन उसी काम में दिन भर लगा रहता है सिर्फ सपने ही देखने में। ठीक है, आप सपने देखिए लेकिन उसके ऊपर एक्शन भी कीजिए उसको पूरा करने के लिए, लेकिन वो एक्शन नहीं करेगा। इसकी विशेषता ये है फ्रेंड्स, आपको आईएएस बनना है, आपने सपने देख लिया, आप उसकी तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे, अच्छा खासा पढ़ाई करेंगे, 12 घंटा 14 घंटा 18 घंटा जितना भी टाइमिंग है, जिस हिसाब से आप मैनेज कर पाएंगे आप करेंगे, लेकिन दूसरा होगा वो सपने तो देखेगा कि मैं कलेक्टर हो गया, ऐसा ऐसा करूँगा, ये करूँगा, मेरे अंडर में लोग होंगे, है ना, मेरे हिसाब से चलेगा, मैं एक जिले का मालिक रहूँगा, मतलब कई चीज़ें वो बिल्कुल उसको रियलिटी महसूस होने लगता है कि मैं हो गया, और दिन भर उसी ख्वाब में वो लगा रहता है फ्रेंड्स। यानी कोई एक्शन नहीं करता, उसके बनने की तैयारी उसने नहीं किया, लेकिन उसी में वो खोया रहता है। अगर ऐसी पर्सनालिटी है तो उसको क्लेमाइटिस आप दीजिए, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, सपने देखेगा लेकिन उसमें एक्शन भी वो करेगा, यानी उसको प्राप्त के लिए वो तैयारी भी करेगा फ्रेंड्स। कई बार जैसा कि मैंने बताया फ्रेंड्स कि उसकी जो सपने हैं उसको कई बार हकीकत में उसको विजुलाइज कर लेता है कि बिल्कुल हम मिल गया है, मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, और अचानक फिर वो देखेगा कि सब शून्य है फ्रेंड्स। और लापरवाह, निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्ति लापरवाह तो होगा ही, जो सपने देखेगा एक्शन नहीं करेगा, किसी भी काम को नहीं करेगा, सिर्फ अपने सपने में ही मस्त रहेगा, ऐसे व्यक्ति लापरवाह तो होगा ही, ना तो नहाएगा, ना तो उसका खाने का टाइम होगा, ना शेविंग करेगा, ना नाखून काटेगा, ना कपड़े साफ करेगा, पूरी तरीके से आप समझ सकते हैं कि उसकी जो शरीर है वो गंदगी से भर जाती है फ्रेंड्स। तो ऐसे पर्सनैलिटी को क्लेमाइटिस जरूर देना चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमने पॉइंट टू पॉइंट बात किया है, अब हम बात करेंगे इसके जनरल यूजेस के बारे में। ये जो रेमेडी है फ्रेंड्स बहुत ही यूनिक रेमेडी है, ट्रीट टू सेफलिस, जो कि एसटीडी डिसीज है, सेफलिस आपने सुना होगा फ्रेंड्स, जो कि जेनाइटल पार्ट में होती है ये फ्रेंड्स, मेल फीमेल दोनों को हो जाती है ना, उसमें पस आने लगता है, डिस्चार्ज होने लगता है, कई बार फफोले टाइप से पड़ जाता है, बर्निंग सेंसेशन होता है ना, और नाइटिस हो जाता है, यानी कि वो जो पार्ट है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो निश्चित तौर पे उसके लिए यह रेमेडी बहुत ही उपयोगी है। गाउट, र्यूमेटिज्म, सेफलिस के बाद अगर गाउट या र्यूमेटिज्म की समस्या होती है, क्योंकि सेफलिस होने के बाद कुछ लोग एंटीबायोटिक खा लिए, कुछ और भी दवा कर लिए, तो क्या होता है कि जो उसका बेस्ट चीज़ें हैं, जो डिस्चार्ज चीज़ें हैं, जो बाहर निकल जानी चाहिए डिसीज को, वहीं पर रुक जाती है, उसके बाद र्यूमेटिज्म के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, गाउट के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, या जनरली वैसे भी देखने को मिलते हैं। ऐसे कंडीशन में क्लेमाइटिस बहुत अच्छा काम करती है फ्रेंड्स। बोन डिसऑर्डर्स, हड्डियों से संबंधित समस्या र्यूमेटिज्म के बाद होती ही होती है फ्रेंड्स, तो ऐसे कंडीशन में यह रेमेडी दी जाती है और इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। क्रोनिक स्किन डिसीज, और इसके साथ साथ फ्रेंड्स डायबिटिक रेमेडी के भी नाम से ये जानी जाती है, यानी कि मूत्रवर्धक रेमेडी है, जो कि बहुत किडनी फंक्शन के ऊपर ये बहुत अच्छा काम करती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, पॉइंट टू पॉइंट हमने बात करने की कोशिश किया है। मिलेंगे फ्रेंड्स न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।